ఒక నిమిషం ఉండమా. हाई एवरी वन, गुड इवनिंग. सो आज जो है हम लोग नए रेस्टोरेंट में आए हैं. दिस इज़ जागवी स्ट्रेन रेस्टोरेंट इन विजयवाड़ा. सो यहाँ पे स्पेशलिटी ये है कि जो भी आपको फूड सर्व होता है वो सब कुछ सर्विंग जो है ट्रेन में आता है. तो हाउ इट विल बी कमिंग आई विल शेयर इन दैट. एंड द रीज़न वाई वी केम, क्योंकि आज आदित्य का जो है उसका 6th स्टैंडर्ड का रिजल्ट आ गया. ही स्कोर्ड वेरी गुड. सो ही वॉज आस्किंग फॉर पार्टी, मम्मी पार्टी पार्टी पार्टी. सो अभिषेक का 2 दिन में आएगा रिजल्ट, बट क्योंकि वो एक्साइटेड था जब मांगा है बच्चे ने पार्टी, तो उस टाइम पे देना बेटर है करके इसलिए हम लोग आज आ चुके हैं बाहर. सो दिस इज़ अ न्यू रेस्टोरेंट. सो देखने में जो इसका पूरा एम्बियंस है वो भी अलग है. यू कैन सी द, मैंने आपको जैसे दिखाया पूरा जो एम्बियंस है, द इंटीरियर एंड द फॉल सीलिंग, एवरीथिंग इज लुकिंग सुपर गुड एंड वेरी डिफरेंट. नॉट रेगुलर फूड बेशक रेगुलर हो सकता है क्योंकि वेराइटीज हर जगह सेम मिलती है अगर आप जो भी ऑर्डर करते हो, but the way of serving will be different. So let's see how it comes. We are also excited to see कि खाना उस ट्रेन्स में वो जो छोटे छोटे बच्चों के लिए हम लोग जो खिलौने नहीं रखते हैं जैसे, वैसे खिलौने में जो है खिलौने टाइप की जो ट्रेन है उसमें आने वाला है फूड. सो अब ये लोग भी एक्साइटेड है. एंड हर एक स्टेशन का एक नाम दिया हुआ है, जैसे दिस इज इंडिया एंड अनदर वन इज दैट इज मेक्सिको. तो अलग अलग नाम दिए हुए हैं. हमने बोला चलो इंडिया वाले में बैठते, तो इंडिया वाले में बैठे. अभी तक ऑर्डर किया नहीं है बिकॉज हम लोग जो है बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो गए ये सारा कुछ देख के. अब ये लोग ट्रेन ढूंढ रहे हैं बच्चे. वो जो रेड दिख रहा है दैट इज अ क्लियर रियल ट्रेन में जैसे एसी का कंपार्टमेंट रहता है ना उस टाइप का है. कैबिन वाइज जो जैसे अपना कूपे रहता है ना लाइक दैट है, अपना ट्रेन का कंपार्टमेंट जैसा रहता है ना वैसा सा दिया हुआ है. एक्चुअली कूपे में क्या होता है प्राइवेसी वाला रहता है ना सेपरेट, वैसा ये बहुत अगर आपका कोई बर्थडे पार्टी अगर आपको सेलिब्रेट करनी है तो एक बिग टेबल कॉन्फ्रेंस टेबल जैसी लगी हुई है यू कैन डू दैट. और अदरवाइज ट्रेन वाली सर्विस लेनी है तो दिस इज बेटर. इफ़ यू वॉन्ट टू एक्सपीरियंस समथिंग डिफरेंट एंड न्यू देन डेफिनेटली यू कैन हैव एक्सपीरियंस ऑफ दिस. तो अगर आप विजयवाड़ा आते हो तो ये देखने जरूर आना. खाने के लिए तो अभी मैं कुछ बोल नहीं रही क्योंकि अभी तक टेस्ट नहीं किया है, बट इफ़ यू वॉन्ट टू एक्सपीरियंस दिस न्यू थिंग देन यू कैन डेफिनेटली विजिट. सबसे पहले हमने बैम्बू चिकन ऑर्डर किया है. लेट्स सी हाउ इट टेस्ट्स. नाइस, बढ़िया. निकिन ट्रब डबी से जरो बैम्बू चिकन हाउ वाज इट? एवरेज. हाउ वाज इट? Nice. How was it? Already you? Super. वो जो बैम्बू चिकन है हमने स्टार्टर्स में लिया था तो मुझे तो अच्छा लगा, लाइक नॉट बहुत अच्छा, क्योंकि क्या होता है ना जब आप स्टार्टर्स में लेते हो बेसिकली जो कबाब का टेस्ट होता है अगर आप उससे कंपेयर करोगे तो ये बैम्बू चिकन उससे कम लगेगा क्योंकि कबाब का एक अलग ही फ्लेवर आता है. सो इसीलिए उसको कंपेयर करने से कम लगेगा, लेकिन अदरवाइज इसका जो फ्लेवर है एज अ बैम्बू चिकन का जो स्पेशलिटी उसके हिसाब से मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा. इनको इतना पसंद नहीं आया, बच्चों को और हम तीनों को अच्छा लगा. लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट वन. हमारी ट्रेन कब आती है? हम वी आर वेटिंग. सब बाजू में जो बच्चे बैठे हुए हैं वो लोग भी जैसी ट्रेन आ रही है शूट कर रहे हैं उसके बारे में बोले जा रहे हैं. तो अभी जो ये रेड में, जब तक खाना आपका रेडी नहीं हो जाता ये रेड में रहेगा. जब खाना आने लगेगा तो ये ग्रीन बत्ती जो है साइड वाली उधर वाली वो जल जाएगी. अभी यहाँ पे आपको जब ये आपका ऑर्डर आने वाला हो तो यहाँ पे ग्रीन सिग्नल जल जाता है, तो दैट मीन्स इट्स कमिंग. अदरवाइज अभी तक ये रेड था. ऑलरेडी
जो है हमने पहले जो है चिकन फ्राई फिश बिरयानी ऑर्डर किया था, वो भी इतना टेस्टी नहीं था। अभी जो है हमने मिक्स नॉन वेज फ्राइड राइस ऑर्डर किया आदित्य की डिमांड पे, बट पहले जब आया वो हमारी जो पहली ट्रॉल आई उसमें नमक ही नहीं था बिल्कुल। फिर दोबारा लेके गए, दोबारा अभी नमक वमक फिर से मिला के लेके आए, फिर भी उतना नमक डाला नहीं, बहुत ही कम डाला। बट जो टेस्ट है ट्रेन रेस्टोरेंट जितना ज़्यादा हम एक्साइट हुए थे टेस्ट के हिसाब से, जो फूड है उतना ज़्यादा टेस्टी तो नहीं लगा, एवरेज बोल सकते हैं। मे बी आज हमारा लग ठीक नहीं है शायद बनाइए, क्योंकि खाने में जो है स्वाद थोड़ा थोड़ा कभी कभी चेंज होता रहता है, तो नेक्स्ट टाइम भी देखेंगे, फिलहाल के लिए तो एवरेज बोल सकती हूँ। तो हमारा खाना पीना तो सब हो चुका है, एंड आदित्य के लिए ट्रीट है ये, उसका अभी भी चल रहा है, ऑलमोस्ट हो चुका है खाली। एंड इसके बाद डेजर्ट में हमने सोचा कुछ आइसक्रीम, काफ़ी टाइम हो गया आइसक्रीम या स्वीट्स कुछ खाए नहीं है, मतलब छोटे मोटे स्वीट्स जो है घर में चलते रहते हैं क्योंकि इनको तो पक्का चाहिए रात को खाना खाने के बाद में। सो अभी आइसक्रीम्स एंड ये गुलाब जामुन टाइप्स तो काफ़ी टाइम हो गया खाते, तो हमने सोचा था आइसक्रीम लेंगे, बट आइसक्रीम यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो स्वीट्स में ओनली डबल का मीठा एंड गुलाब जामुन अवेलेबल था, और अदरवाइज उसके अलावा कॉकटेल या लस्सी या कोई ऐसा कुछ चाहिए वैसा अवेलेबल है, तो लस्सी वैसी कौन पिएगा भाई। सो आई हैव ऑर्डर्ड जी गुलाब जामुन, क्योंकि आदित्य गुलाब जामुन बोलता था, क्योंकि वो आइसक्रीम खाता नहीं है एक्चुअली, उसको इतना पसंद भी नहीं है। तो ओवरऑल जो फूड का जो मैंने बताया एवरेज था, अब ये गुलाब जामुन कैसा रहता है वो भी देख लेते हैं। वी आर हैप्पी कि एक नए व्यू में आए हैं, नया टाइप का रेस्टोरेंट है, सो दैट फील इज़ गुड, सो यू कैन कम एंड विजिट वंस। क्लीन द प्लेट, धो दिया इसने पूरा, वेरी गुड अभिषेक, देखो कितने अच्छे से खा रहा है बच्चा। खाने के मामले में एक्चुअली अभिषेक जो है, जो छोटा वाला मेरा बेटा है, वो बहुत नीटली खाता है, बिल्कुल गिराता नहीं है, और मेक श्योर करता है कि प्लेट में एक भी दाना मतलब रहे नहीं। हम उसको बोलते हैं भाई एक एक दाने जो है, एक एक दाना या जो भी हम खाते हैं दैट्स वेरी मच क्या बोलते हैं इम्पॉर्टेंट, तो वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो इसलिए वो हमेशा ध्यान में रखता है, चाहे घर में खाए चाहे कहीं पर भी खाए, वो उसमें एक भी दाना नहीं रहने देता है, अच्छे से क्लीन करके खाता है। बट आदित्य जो बहुत वेस्ट करता है, सो अभी वो हैंड वॉश कर रहा है, उसको जो फिंगर बॉल दिया है उस अलग से जो नींबू के स्लाइसेस दिए वो और भी उसमें डाल रहा है, और ओवर क्लीनिंग कर रहा है मतलब। बिल हुआ है 1305 रुपये, एंड वॉट ऑल वी हैव ऑर्डर्ड यू कैन सी, बैम्बू चिकन फ्राइड चिकन बिरयानी, मटन फ्राइड राइस, इट्स नॉट मटन फ्राइड राइस, इट्स मिक्स्ड फ्राइड राइस एक्चुअली, कोल्ड ड्रिंक्स एंड दैट्स इट। खाना पीना सब खत्म, आप सोच रहे होंगे कि बिल में गुलाब जामुन नहीं है, एक्चुअली हमने दो बोले थे, उन्होंने एक ही प्लेट दिया, सो शायद उसको कॉम्प्लीमेंट्री कर दिया, हमने उनको फीडबैक दिया था और मैंने जो फीडबैक का जो फॉर्म होता है वो भी भरा था, बिकॉज अभी इसको ओपन हो के ओनली 3 महीने ही हुए हैं, सो जब हम फीडबैक देते हैं हमेशा पॉजिटिव ही नहीं, अगर कोई सही नहीं है चीज़ तो बता भी देना चाहिए। तो वहाँ पर जो मैनेजर थे तो बोले थे हमको आज तक किसी ने कंप्लेंट नहीं किया, तो मे बी सब लोग चलो क्या बोलना करके छोड़ देंगे तो इम्प्रूवमेंट कैसे होगा, सो इसीलिए अपडेट करना भी ज़रूरी है, चाहे गुड हो चाहे बैड हो। एंड एक और चीज़ ये कि यहाँ पे आने से पहले मुझे नहीं पता था कि कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, तो ये विजयवाड़ा में तो है ही, उसके अलावा हैदराबाद एंड बैंगलोर में भी है, सो आप चेकआउट कर सकते हैं। ऑप्शन इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि पहले मुझे नहीं पता था, अभी अभी पता है, तो यहाँ पे मेरा जो फीडबैक लेटर है वो मैनेजर पढ़ रहे हैं। तो
पार्टी खत्म हो चुकी है। आदित्य बोल रहा है पार्टी तो मेरे उसकी पासिंग आउट की अच्छी रही बोल रहा है। तो नाउ वी हैव कम आउट चढ़ चुके हैं। एक ही दिखता है ये रहा अभिषेक आदित्य दोनों। सो अभी बज रहे हैं रात के 11:21। सो एक्चुअली अभी बच्चों की तो छुट्टी है तो इसलिए हम लोग आ गए, अगर अगले दिन स्कूल होता तो नहीं आते। तो विजयवाड़ा में बहुत सारी न्यू चीज़ें खुल रखी है, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं ऐसे, सोचते हैं विजिट करें लेकिन क्या होता है जब भी हम लोग प्लान बनाते हैं जहाँ पहले गए होते हैं वहीं पर चले जाते हैं क्योंकि वो फूड का टेस्ट हमें मालूम है। तो वी वर लाइक कि जब अच्छा टेस्ट मालूम है तो वहीं चलते हैं, बट नए वाले चीज़ों को भी एक्सपीरियंस करना ज़रूरी है तभी पता लगता है कि मैं नेक्स्ट टाइम कहाँ विजिट कर सकते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड आई विल मीट यू अप इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।